हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और दो दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इश्यू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे, और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज तो इतना बता रहा हूँ, आगे और बहुत सारी काली करतूते देवेंद्र जी के हैं, मैं लोगों के सामने रखूँगा।